यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। अगर आप में से कोई भी बंदा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का शौकीन है, वो चाहता है कि यूट्यूब पर कोई नया चैनल बनाया जाए तथा उसके लिए उसको कौन कौन से ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लाइव नहीं आना चाहते हैं और अगर आप लाइव भी आना चाहते हैं उसके अलावा, तो आपको कौन कौन से ऐप आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपको वीडियो आप बना के डाल सकें यूट्यूब पे। तो देखिए, आज हम सबसे बेस्ट ऐप की बात करेंगे, कौन कौन से यूट्यूब पे आप ऐप यूज करें जिससे कि आपको आप वीडियो बना के अपलोड कर सकें यूट्यूब पे। तो देखते हैं कौन कौन से बेस्ट ऐप हों। अगर आपको चैनल बनाना सीखना हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप चैनल बनाना सीख लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी कमाई हो सकती है तथा बेस्ट ऑनलाइन ऐप कौन सा हो इनकम का, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं और कैसे आप यूट्यूब पर वीडियो डालें या चैनल कैसे बनाएं। तो देखते हैं यूट्यूब पे चैनल बन देखिए यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन है। देखिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, जो हाँ जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपका होता है जिससे आप स्क्रीन पे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपकी सारी रिकॉर्ड होती है। तो वीडियो पे जैसे आपने कोई पेज लिया, उस पे जो भी आप लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी तथा आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये ऐप होगा। उसके बाद एक और स्कैनर आता है, उसके अलावा आपको एक कैम स्कैनर का ऐप आता है। हम अभी आपको सबके डिटेल दिखा देंगे। एक कैम स्कैनर आता है, चलिए हम दिखाते हुए बात करते हैं आपको कि कौन कौन से ऐप हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए, देखिए कैम स्कैनर, ये देखिए कैम स्कैनर CS नाम से है ये कैम स्कैनर। इसको आप इसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल ऐप से जाके, कैम स्कैनर। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखिए खुल रहा है, कैम स्कैनर खुल रहा है। आप ID अपनी डाल के मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन कर लीजिए, यहाँ से किसी भी चीज़ की कोई फ़ोटो आप ले लीजिए। फ़ोटो आप किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं। फ़ोटो मान लीजिए आपने लिया किसी चीज़ का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा भी चाहें। उसके अलावा आप इसको, इसके बाद आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप इसको जो कलर को है इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि इसकी बढ़ा सकते हैं, डिफरेंस कलर, ओरिजिनल कलर, ब्लैक वाइट कलर, ये सब आप ले सकते हैं। इसके बाद आप सही कर लीजिए इसको, इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ये आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको एज अ PDF सेव करें, एज अ इमेज, तो अगर आप दोनों में सेव कर सकते हैं। आप कई पेज सेलेक्ट करके इसको PDF या इमेज में सेव कर सकते हैं। इमेज में मान लीजिए हमको सेव करना हो, तो आप जाके गूगल गैलरी पे आप इसको सेव कर लीजिए और यहाँ से यूज कर लीजिए। तो ये कैम स्कैनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कुछ पढ़ाना चाहते हैं या कोई चीज़ आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऐप है। उसके अलावा हम DU स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करते हैं, जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं आपके लिए। तो देखिए, DU स्क्रीन रिकॉर्डर एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है। ये आपके क्या है, ये आपके वीडियो को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करेगा जो भी आपकी एक्टिविटी स्क्रीन पे होगी। तो इसको आप गूगल प्ले से स्टोर से जाके डाउनलोड कर दीजिए। कुछ सेटिंग इसकी महत्वपूर्ण है, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, वीडियो रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस पे आपका है DU स्क्रीन रिकॉर्डर पे, बहुत बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो आपके बहुत कम MB में बन जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप इसका मान लीजिए कि 20-20 मिनट की वीडियो सिर्फ 200 MB की होती है, तो आप यहाँ से आप यकीन कर सकते हैं, एकदम क्वालिटी एकदम हाई रहती है इसकी। तो ये बेस्ट ऐप है, बहुत कम MB लेता है और बहुत अच्छा है। आप अगर ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको ऑन रख लीजिएगा। इसके अलावा आप कुछ और सिस्टम है, जैसे कि आप इसमें सेट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट, अगर आप लेना पढ़ाते हुए भी लेना चाहते हैं, कुछ करते हुए, तो ये ले सकते हैं। ब्रश का यूज कर सकते हैं आप कुछ लिखने में अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि हम यूज करते हैं, तो इसको आप ऑन कर लीजिए।
वाटरमार्क दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे हमारी स्क्रीन पे देखेंगे राइट साइड में नीचे आपका सब्सक्राइब का है, तो उसमें आप इमेज सेट कर सकते हैं और आप कुछ लिख सकते हैं परमानेंटली, जब आपका वीडियो चलेगा तो वो दिखेगा। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप, इसमें दिखा सकते हैं कि आप कहाँ टच कर रहे हैं, ये भी दिखा सकते हैं, ये ऑन कर सकते हैं। तो ये ऐप है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तीसरा ऐप हम आपको बताएंगे जो कि किसी भी चीज़ की थंबनेल बनाने के लिए होता है। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल वो चीज़ होती है जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो जो सबसे ऊपर पेज की तरह होता है, जिसमें कुछ भी आप लिख के डालते हैं या कोई इमेज लगा के आप डालते हैं कि वीडियो ऐसा है, इस बारे में वीडियो है, तो वो आपको होता है। तो उसके लिए काइन मास्टर ऐप का हम यूज करते हैं। काइन मास्टर ऐप से आप क्या कर सकते हैं, देखिए काइन मास्टर ऐप यू खुल रहा है। काइन मास्टर ऐप का आप खोलेंगे, उसके बाद ये आपका, इसको आप गूगल प्ले से जाके स्टोर कर लीजिएगा। उसके बाद इसको इंस्टॉल करके आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है प्लस जहाँ बना है यहाँ पे, आपको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर सबसे बड़ी साइज़ आपकी लेनी है, अपने हिसाब से साइज़ ले लें। उसके बाद सबसे पहले आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लीजिए प्लेन, देखिए आप जो भी डाउनलोड किए हैं या कोई अन्य इमेज, इसके अलावा आप बैकग्राउंड इमेज में से ये सारी इमेज आएंगी, तो इन सबको आप क्या, इनमें से मान लीजिए कोई सिलेक्ट कर लीजिए। आपने मान लीजिए कि हमने ये इमेज सेलेक्ट की है, तो आपको ये इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करें, टेक्स्ट में आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए लिखना है, आप लिख के इसको यहाँ से आप साइज़ इसको बड़ी छोटी कर सकते हैं और अपने हिसाब से जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। इसके वर्ड रिटेन का तरीका आप बोल्ड, इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एनिमेशन आप लगा सकते हैं, ये देखिए डिफरेंस प्रकार के एनिमेशन है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लिंक शो होगा, फ्लिकर होगा, जिटर होगा, पल्स होगा, फाउंडेशन होगा, फाउंटेन होगा, इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें आप सारे प्रयोग कर सकते हैं। फ्लोटिंग, इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये एज अ वीडियो क्रिएट होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से जाके आपको सेव कर लेना है। यहाँ से सेव करने के बाद जो हमने बनाया है ये देखिए एज अ वीडियो ये प्ले होने लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और एज अ थंबनेल आपको यूज़ करना है। इसके अलावा इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण फीचर से एक और ये हो जाता है कि अगर आप दो वीडियो कोई जोड़ना चाहते हैं अलग अलग पार्ट में, तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ से कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट करिए, मान लीजिए आपने इमेज या कोई सिलेक्ट कर लीजिए, जोड़ना है आपको, तो इसी तरह आप वीडियो सेलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए आप। उसके अलावा जैसे ये हमने क्या किया, ये वीडियो है, हमने कोई सेलेक्ट कर लिया, ये सारी वीडियो ही है जैसे हमने बनाया था, तो ये वीडियो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए। ये देखिए एक वीडियो हमारी इधर है और दो वीडियो हमने, कई वीडियो हमने सेलेक्ट की थी, तो ये देखिए अलग अलग वीडियो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए अब वीडियो क्या हो गई, आपकी ऐड हो गई, सारी वीडियो मिला के हमारी कितने 18 मिनट की लगभग हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आपको 18 सेकंड की हो रही है, ये सेव नहीं हुआ है अभी, रुक जाइए हम आपको बता रहे हैं। तो ये जैसे आपका हो गया, इसमें से आप कोई वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो या कई इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको सिंपल सा ऐसे ही करना है, हम कई इमेज सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये इमेज आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको क्लिक कहाँ करना है एक बार हम फिर से बता दें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जब ये आप सब क्रिएट कर लिए, सब बना लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ऐसे जाके आ जाए, फिर इसी पे आपको क्लिक करना है, ये आपका वीडियो रहा, जुड़ा रहा। अब इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि क्या करना है, इसको आपको अपलोड करना है, तो आप डायरेक्ट यहीं से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए आप, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वीडियो के, और वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए डायरेक्ट यूट्यूब में पहुँच गया है। आप ये इससे यूट्यूब से इसकी सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करिए इधर साइड में,
इसमें आप देखिए इमेज, इसमें जो फीचर्स दिए हैं इसको आप जोड़ सकते हैं इसमें, तो ऐसे या करके आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो आप डायरेक्ट अपलोड या शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक करिए। ये देखिए आप ऐसे, पहले इस वीडियो को आपको शेयर करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो आपने जोड़ा है, तो एक्सपोर्ट आप कर दीजिए। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ट्रायल दे रहा है इसको आपको, अभी ये पूरा जब एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद आप वीडियो को डायरेक्ट कहीं भी सेव कर सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों ऐप रहे, बहुत महत्वपूर्ण ऐप हैं, आप चाहें तो इन तीनों को इंस्टॉल करके आसानी से यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऐप हैं। अगर ये तीनों ऐप के अलावा आपको कोई और ऐप ज़रूरत करने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, एकदम आपका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल है रह गया हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।